आज हम बात करेंगे निपोन इंडिया निफ्टी सीपीएससी बॉन्ड प्लस एसडीएल इंडेक्स ईटीएफ के बारे में, जो कि इशू 3 नवंबर को ओपन होगा और 9 नवंबर तक जो है इशू ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड ईटीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी बहुत सी जानकारी होती है जो जान लेनी चाहिए किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि स्कीम की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर रहने वाली है, स्कीम का पोर्टफोलियो क्या रहेगा, स्कीम का बेंचमार्क क्या है और किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो है स्कीम सुइटेबल है। तो चलिए बात करेंगे आज डिटेल में, बताएंगे आपको जो ETF लॉन्च होने वाला है निपोन इंडिया निफ्टी CPSE बॉन्ड प्लस SDL इंडेक्स ETF के बारे में, और जानेंगे कि CPSE बॉन्ड्स क्या होते हैं, SDL क्या होते हैं यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं, और इनमें क्या इन्वेस्टमेंट रहती है, किस प्रकार इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं CPSE बॉन्ड्स। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बॉन्ड्स CPSE ETF मार्केट में ऑलरेडी रनिंग पर भी हैं, और आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा CPSE ETF सरकार का एक बहुत ही बड़ा लार्जर डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, जहां से सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिस इन्वेस्टमेंट करती है कुछ कंपनीज में से, थ्रू ETF के रूट पर डिस इन्वेस्टमेंट करती है कुछ कंपनीज में से। जनरली जो CPSE ETFs होते हैं एक पैसिव इनकम फंड्स होते हैं, और रिस्क है जो वो भी बहुत ही कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता इन स्कीम्स में। और आपको बता दें अभी तक निफ्टी CPSE बॉन्ड इंडेक्स में 11 कंपनीज टोटली लिस्टेड हैं। तो चलिए जानते हैं SDL के बारे में, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो यानी कि SDLs अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं जो ये इशू करती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो इसके ज़रिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोन लेती हैं मार्केट से, यानी कि डेट लेती हैं, कर्जा उठाती हैं मार्केट से, और एक फिक्स मैच्योरिटी होती है जो कि उनको टाइम पर पे करना होता है विद इंटरेस्ट। तो जो स्टेट्स होती हैं अपनी बजट को मेंटेन करने के लिए और जो नीड्स होती हैं स्टेट की उससे मीट करने के लिए जनरली जो है SDL यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स लेती हैं फ्रॉम मार्केट से, यानी कि डेट लेती हैं, तो उनकी एक मैच्योरिटी होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम बाद जो है स्टेट्स को पैसा जो है वापस करना होता है कंपनीज को, जो भी पैसा किसी भी स्कीम के थ्रू आया होता है तो विद इंटरेस्ट जो है स्टेट्स को पैसा वो वापस करना होता है, तो उनको जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है यानी कि SDLs कहा जाता है। तो CPSE बॉन्ड्स और SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में आप समझ गए होंगे। तो जो स्कीम है ETF है निफ्टी निपोन इंडिया निफ्टी CPSE बॉन्ड्स प्लस SDL इंडेक्स, तो उसका जो एक्सपोजर है वो 50% जो रहेगा वो CPSE बॉन्ड्स इंडेक्स में रहेगा, और 50% का जो एक्सपोजर है वो SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में रहेगा जब इंडेक्स को लॉन्च किया जाएगा, और जो इंडेक्स की मैच्योरिटी है वो सितंबर 2024 में कंप्लीट हो जाएगी, 4 साल से ज़्यादा की जो इंडेक्स की मैच्योरिटी नहीं होगी। और आपको बता दें कि जो सिक्योरिटीज़ होंगी जो बॉन्ड्स हैं CPSE बॉन्ड्स में सिक्योरिटीज़ होल्डिंग है वो AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी, ETF की होल्डिंग्स होगी, तो इसलिए जो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत ही लो रहने वाला है। जनरली आपको बता दूं कि जो बॉन्ड्स होते हैं कमर्शियल पेपर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ होती हैं जो भी डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें रेटेड की तरफ से सिक्योरिटीज़ जो रेटिंग दी जाती है यानी कि A+ AA AAA, तो जो AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं, काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स होते हैं, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो जो ETF की इन्वेस्टमेंट है वो AAA रेटेड बॉन्ड्स में ही रहने वाली है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स स्टेट को भी लोन्स दिया जाएगा, यानी कि स्टेट जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं उसके ज़रिए डेट उठाती हैं मार्केट से, तो वहाँ पर रिस्क जो है आपका मिनिमाइज होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्कीम के बारे में। तो फंड को जो मैनेज करेंगे वो प्रशांत पेंपल जी इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 5000 आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
और जो स्कीम में रिस्क है वो मॉडरेटली लो रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगी, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो इसलिए स्कीम का रिस्क है वो मॉडरेटली लो है। तो चलिए जानते हैं स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है निफ्टी सीपीएससी बॉन्ड प्लस एसडीएल इंडेक्स 50-50 सितंबर 24 को रिट्रैक करके वहां से इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करना स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। और जो एम है स्कीम का वो है इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और सीपीएससी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देना स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस ETF के लिए अप्लाई करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर्स हैं और किसी इंडेक्स ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुइटेबल ETF है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क आपका बिल्कुल ही लो रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में जो रहेगी, और स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी यही है। तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम रहने वाला है। तो आप, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने थोड़े से भी हिस्सा अपने मनी का अपने इन्वेस्टमेंट इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्कीम की मैच्योरिटी है वो 2024 को कंप्लीट हो जाएगी, तो रिटर्न्स भी आपको यहाँ पर अच्छी प्रोवाइड होने वाली है और रिस्क जो है आपका लो रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।